Hey guys, welcome to this video. मेरा नाम है मोनिका और मुझे लग रहा है Vivo अब काफी यहाँ पे फॉर्म में आ चुका है। शुरुआत की Vivo ने अपने Vivo Z1 Pro से, फिर Vivo S1 काफी लॉन्च के यहाँ पे चर्चा में है और अब न्यूली रिसेंटली लॉन्च होने वाला है Vivo Z5। लॉन्च होने से पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है इस फोन ने भी, और लॉन्च से पहले जो ऑफिशियल टीजर आया है उसमें इसके कंफर्म स्पेसिफिकेशंस भी पता चल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में Vivo Z5 के कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे क्या ये फोन वेट करने लायक होगा भी या फिर नहीं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिख रहा है लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं Vivo Z5 के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। फोन वगैरह इमेजेस वगैरह तो ऑब्वियसली हमने देख ही ली थी, ट्रिपल कैमरा के साथ फोन दिख रहा है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ दिख रहा है। अब बात अगर स्पेसिफिकेशंस की तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फोन के प्रोसेसर का, और इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन का 712 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली Vivo के Vivo Z1 Pro मोबाइल फोन में देखने को मिला। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, और साथ ही साथ स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें मल्टी टर्बो फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अब अगर चले फोन के लुक्स की तरफ तो ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है, ग्रीन ब्लू ब्लैक इस तरीके के कुछ कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब बात करें अगर फोन के डिस्प्ले की, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ दिखाई दे रहा है, साथ ही इसमें हमें सुपर अमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी 6.38 इंच की, और सुपर अमोलेड स्क्रीन है तो डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोन के कैमरा परफॉर्मेंसेस की, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें प्राइमरी होगा 48 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और वहीं फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है जो कि छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच में होगा। बात अगर बैटरी बैकअप्स की तो इसमें हमें 4500 से 4800 एमएएच तक की बैटरी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ इसमें 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो काफी कमाल के दिख रहे हैं, और अब अगर बात है फोन के लॉन्च की तो Vivo Z5 लॉन्च होने वाला है 31 जुलाई को, लेकिन चाइना में पहले लॉन्च हो रहा है चाइना में। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर इंडिया में भी हमें Vivo Z5 देखने को मिले। तो ये रहे भाई Vivo Z5 का ओवरऑल पैकेज और ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको Vivo Z5 के स्पेसिफिकेशंस अच्छे लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि Vivo Z5 इन स्पेसिफिकेशंस के साथ वेट करने लायक है या फिर नहीं है? और अब अगर बात है प्राइस पॉइंट की, तो जब Vivo Z1 Pro आ चुका है 15,000 में, तो Vivo Z5 मेरे हिसाब से तो 15,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइए नीचे कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए MK टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। हम मिलेंगे इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।